हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनियन पील फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें प्याज को छील लेना है और ये जो इसके ऊपर की छिलके हैं इनको कलेक्ट कर लेना है। अब इन छिलकों को हमें एक बर्तन में पानी लेना है और उसमें सारे छिलकों को अच्छे से डाल देना है। और अब हमारा फर्टिलाइजर रेडी हो गया है। इसको मैंने लगभग 6 डेज के लिए इसी तरह से रखा था। यहाँ पर एक मैं वुडन स्टिक यूज कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इस फर्टिलाइजर को हमें किसी स्ट्रेनर से छान लेना है और ये जो अनियन के छिलके बचे हैं इसको हमें दोबारा यूज कर लेना है। इसको आप वापस पानी में डालकर रख सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो आप इसको स्प्रे की तरह से यूज कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट भी इसको प्लांट में डाल सकते हैं। बस हमको इस फर्टिलाइजर को पानी के साथ थोड़ा डाइल्यूट करके यूज करना है। यहाँ पर मैंने हाफ बोतल फर्टिलाइजर लिया है और इसमें हाफ बोतल में पानी को ऐड कर रही हूँ। चलिए इसको कैसे लगाना है अब मैं आपको बताती हूँ। इसको हम डायरेक्टली प्लांट्स में डाल सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे में ये फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और आजकल विंटर्स का सीजन है, इस टाइम पे हमारा मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। आप ये फर्टिलाइजर डालिए और देखिए आपके सारे प्लांट्स के लीफ एकदम ग्रीन ग्रीन रहेंगे। और इसको आप रोज प्लांट में या कोई भी फ्लावरिंग वाले प्लांट में डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। और ये हमारा बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइजर है। आप भी इसको बनाइए और एक बार ट्राई करके देखिए। स्प्रे के थ्रू आप अगर ये फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमारे प्लांट को डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिल जाता है और इससे इसकी ग्रोथ एकदम से अच्छी हो जाती है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि विंटर के सीजन में उनका मनी प्लांट मर रहा है। आप एक बार इसे यूज करिए और अपने प्लांट में आप इसका असर देखिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए।